दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय बचा है और IPL का 14th एडिशन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। क्यों शानदार होने वाला है? क्योंकि आपको IPL में पहली बार यहां पर कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिल जाएंगे जो कि IPL इतिहास में सिर्फ पहली ही बार किए जाएंगे। इसके अलावा IPL के अंदर एक या दो नई टीमें भी आएंगी और दोस्तों जो देखने लायक बात होगी वो होगा IPL 2021 का ऑक्शन, जिसकी डेट यहां BCCI अनाउंस करने वाला है दिसंबर 15 से पहले पहले। और यहां दोस्तों जो ऑक्शन होने वाले हैं वो होंगे या तो जनवरी के मिड हाफ के अंदर या फिर होंगे फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर। दोस्तों इसके अलावा काफी टीमों की तरफ से बड़ी बड़ी अपडेट्स IPL 2021 को लेकर बाहर निकल के आती है, बट आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। दरअसल दोस्तों KKR की टीम IPL 2021 के लिए काफी सारी हिंट्स दे चुकी है कि वो क्यों इतनी ज्यादा पावरफुल दावेदार है, क्यों इतनी मजबूत है, बट दोस्तों तीन बड़ी अपडेट्स KKR की टीम की तरफ से बाहर निकल के आती है। क्या है ये तीन बड़ी अपडेट्स, क्या बड़ा फायदा, क्या बड़ा नुकसान इन तीन अपडेट्स के अंदर, इन तीन न्यूज के अंदर होने वाला है KKR की टीम को, आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ए टू जेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम साल 2021 के लिए काफी रणनीति बना रही है, जहां उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम काफी उनका हाथ बटा रहे हैं। वो दोस्तों साल 2020 के अंदर से ही डायरियों पर डायरियां भरे जा रहे हैं, अलग अलग रणनीति बनाए जा रहे हैं और ऑक्शन 2021 के लिए मानो या ना मानो KKR उन टॉप तीन टीमों में से है जो अपना फॉर्चून 2021 के लिए बदल देगी, यानी इतनी मजबूत टीम कर लेगी कि आने वाले जो तीन साल होंगे उसके अंदर एक या दो बार भी ये ट्रॉफी जीत जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। बट आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या KKR है तैयार IPL 2021 के लिए। इसके अलावा तीन बड़ी अपडेट्स KKR की टीम की तरफ से बाहर निकल के आती है। पहली अपडेट बाहर निकल के आती है KKR के नए प्लेयर को लेकर। दोस्तों साल 2021 के लिए पहले ही KKR की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया है कि वो अपने ओपनर्स में बदलाव करने वाले हैं और ये दोस्तों हिंट्स बाहर निकल के आ रही है, ये न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है कि इनके जो दोनों ओपनर्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं फॉरेन खिलाड़ी। बट दोस्तों आपको बता दें टीम इस साल दिनेश कार्तिक को भी रिलीज़ कर देगी, तो टीम के अंदर एक विकेट कीपर होना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं शुभमन गिल अगर ओपन करते हैं तो उनको अपनी अप्रोच भी बदलनी होगी। इसके लिए दोस्तों आपको बता दें KKR एक नए प्लेयर के पीछे जाने वाला है जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और ओपन कराए तो उनके क्या ही कहने, धमाका कर देते हैं। इसके अलावा सबसे जो प्लस पॉइंट उनका यह है कि वो दिनेश कार्तिक की कमी भी महसूस होने नहीं देंगे, वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। और इस खिलाड़ी का नाम है कुशल परेरा। दोस्तों ये LPL खेल रहे हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, अभी लंका प्रीमियर लीग के अंदर लीडिंग रन स्कोरर भी हैं। और कुशल परेरा साल 2019 के अंदर वर्ल्ड कप के चलते उन्होंने IPL नहीं खेला, 2020 के अंदर दोस्तों UAE के अंदर शिफ्ट हो गया था इसलिए वो नहीं खेल पाए IPL। बट साल 2021 के लिए कुशल परेरा ने यहाँ पर अपना नाम ऑक्शन के लिए दे दिया है और जैसे ही इनका नाम लिस्ट में आया है लगातार KKR की टीम इंटरेस्टेड है इनको टीम में शामिल करने के लिए। दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या कुशल परेरा को टीम यहाँ पर ऑक्शन के अंदर परचेस कर लेगी। दूसरी न्यूज़ निकल के आती है ब्रेंडन मैकुलम को लेकर। दोस्तों ब्रेंडन मैकुलम यहाँ दे सकते हैं KKR के कोच पद से इस्तीफा, हालांकि अभी हेड कोच हैं और काफ़ी फैंस को ही लग रहा होगा कि ये काफ़ी बुरी खबर है, बट नहीं दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है KKR के फैंस के लिए। क्यों अच्छी खबर है? दरअसल दोस्तों ब्रेंडन मैकुलम एक बार फिर से सोच रहे हैं IPL के अंदर बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का, वापस एक बार मतलब यहां खेलने का, एज अ प्लेयर शामिल होने का। दरअसल दोस्तों लाशित मलिंगा भी एक सीजन यहां पर मुंबई इंडियंस के कोच रहे और उसके बाद अगले ही सीजन वो टीम में शामिल हुए और अब ब्रेंडन मैकुलम की तरफ से काफी अर्ली स्टेज के ऊपर ये हिंट्स है कि ब्रेंडन मैकुलम वापसी कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट कैंसिल कर सकते हैं और हो सकता है कि KKR की टीम में इस ऑक्शन के अंदर आपको यहां ऑक्शन के अंदर अपना नाम देते हुए भी नजर आए। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या ब्रेंडन मैकुलम ने अभी तक वो स्पार्क बाकी है, क्या वो बैटिंग परफॉर्मेंस बाकी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्या उनको एक और सीजन खुद को मौका देना चाहिए। तीसरी न्यूज निकल के आती है ईडन गार्डन्स को लेकर। दरअसल दोस्तों साल 2021 के लिए यहां पर काफी किस्मत फेवर के अंदर है KKR की टीम के लिए। दरअसल दोस्तों KKR की टीम ऑक्शन 2021 के अंदर तो अपनी टीम मजबूत बना ही लेगा, उसके अलावा अब उनका जो होम ग्राउंड है ईडन गार्डन उस पर भी एक बड़ा फायदा उनको होने वाला है। दरअसल दोस्तों ईडन गार्डन के ऊपर KKR का वैसे ही विन परसेंटेज 70 के ऊपर है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, जहां आंद्रे रसल लंबे लंबे छक्के तो मारते ही हैं, बट अब दूसरे प्लेयर्स के लिए भी बड़ा फायदा यह है कि इस टीम का जो इस ग्राउंड का जो डायमेंशन है
जो बाउंड्री डायमेंशन है वो छोटा होने वाला है, यानी 5 मीटर से छोटा हो जाएगा। और दोस्तों जो इसकी बाउंड्री है वो सब तरह से 5-5 मीटर छोटी हो जाएगी। दोस्तों हाल ही के अंदर यहाँ वानखेड़े और चिन्नेस्वामी जैसा फील भी आ जाएगा। दरअसल यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड का एक वनडे और एक T20 भी होना है जिसके अंदर बाउंड्रीज छोटी की जाएगी। और दिसंबर के अंदर शुरू होने वाली है यहाँ पर बंगाल T20 लीग जिसके अंदर भी बाउंड्रीज छोटी की जाएगी। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, तो KKR के लिए ये फायदा रहेगा कि इनका जो बैटिंग परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, जहाँ इनके लिए बाउंड्री छोटी कर दी जाएगी। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं साल 2021 के अंदर कौन होने वाला है KKR का सबसे मेन प्लेयर, कौन गेम चेंजिंग प्लेयर होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी KKR की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।